नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में लगे लॉकडाउन के बारे में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या 2633 दिनांक 9/4/2021 के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रण करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है, जो कि 15/5/2021 तक लागू रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बिहार में लॉकडाउन लगने की बात कही है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पिछले एक सप्ताह से लगातार 10% से अधिक बनी हुई है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यापक नियंत्रण हेतु 5/5/2021 से 15/5/2021 तक लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि क्या खुला रहेगा, क्या होगा बंद। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन अपवाद में आवश्यक सेवा जैसे कि जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत काम करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू रहेगा। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, साथ ही पशु अस्पताल, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, चाहे वो सरकार हो या फिर निजी हो, यह चालू रहेंगी। इसके साथ ही दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत काम करेंगे। वाणिज्य एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन इसमें भी कई चीजों को खोलने की बात कही गई है। बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान चालू रहेंगे। सभी प्रकार के निर्माण कार्य चालू रहेंगे। ई कॉमर्स से जुड़े सारी गतिविधियां जारी रहेंगी। कृषि एवं उससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुली रहेंगी। इसके अलावा खाद्य सामग्री जैसे कि फल एवं सब्जी ठेला पर घूम घूम कर बेचने की छूट होगी। मांस मछली पीडीएस की दुकानें सुबह के 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की बात कही गई है। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी। निजी सुझाव सेवा भी जारी रहेगी। इसके अलावा अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर काम कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर आवश्यक आवागमन यानी कि पैदल सहित पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता से 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन और स्वास्थ्य से जुड़े निजी वाहनों को आने जाने की छूट रहेगी। अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन को छूट रहेगी। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत किया गया है, उन्हें आने जाने की छूट होगी। सभी प्रकार के मालवाहक वाहन को आने जाने की छूट होगी। वैसे निजी वाहन जिन्हें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो, उनके पास टिकट है, उन्हें आने जाने की छूट होगी। अंतर्राज्यीय मार्गों और अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन को छूट रहेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक अनुमान्य होगा। एनएच पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन समारोह पर प्रतिबंध होगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, चाहे वो सरकारी हो या निजी, सभी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इनमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह के पहले सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कर्म के लिए 20 व्यक्ति की अधिकतम सीमा रहेगी। इसके अलावा जिला प्रशासन को कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई है। सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई महीने में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे। गाइडलाइन के आखिरी में यह भी लिखा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करते हुए
पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार सरकार का लॉकडाउन लगाने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।